1990 में रिलीज हुई एक रशियन मूवी सन ऑफ अ रिच। रशिया के सबसे अमीर आदमी की एक बिगड़ी हुई औलाद ग्रिशा, जो अपना सारा टाइम नाइट क्लब पार्टीज, लोगों को परेशान करने में और रूल्स तोड़ने में बिताता रहता है। ग्रिशा इतना ज्यादा अमीर है कि वो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझता। ग्रिशा एक रात को एक लड़की को परेशान करने के बाद में सड़क पर अपनी लग्जरी कार अंधाधुंध चला रहा था, तो ट्रैफिक पुलिस वाला उसको रोक देता है। लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस के मुंह पे नोट फेंकता है, जैसा कि वो हमेशा करता आ रहा है। लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस वाला ब्राइब नहीं लेता है और वो ग्रिशा को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ग्रिशा को बिल्कुल भी दूसरे लोगों की परवाह नहीं थी, वो कार चला देता है और हंसता रहता है। पुलिस ग्रिशा को जेल में डाल देती है और ग्रिशा के फादर, जो उससे खुद परेशान थे, अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त के साथ आते हैं और पुलिस ऑफिसर ग्रिशा के फादर को बताता है कि तुम्हारा बेटा इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि वो ट्रैफिक पुलिसमैन को सड़क पर आधी रात को घसीटता रहा और अब वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है, इसका कुछ करो नहीं तो ये पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। ग्रिशा के फादर उसको खींच के बाहर लाते हैं और बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन ग्रिशा उनके सामने सिगरेट पीने लगता है, क्योंकि ग्रिशा को मन में ये लगता था कि वो उसका इकलौता बेटा है, इसलिए उसका फादर डांटने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। ग्रिशा के फादर परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं और ग्रिशा को सुधारने के लिए अपनी एक फीमेल फ्रेंड एनेस्थीसिया के पास जाते हैं, जो कि एक टीवी प्रोड्यूसर थी। वो ग्रिशा के डैड को अपने एक फ्रेंड, जो कि हॉरर मूवी में और सेट डिजाइनिंग में स्पेशलिस्ट था, उसके पास ले जाती है। ग्रिशा के फादर और एनेस्थीसिया जब लीव के घर पे हैं तो वो देखते हैं कि लीव एक रस्सी से लटका हुआ है, लेकिन ये सब फेक था, ये सब उसने डिजाइन कर रखा था। ऐसी डिजाइन और डिवाइसेस बना के लोगों की आंखों को ट्रिक करता था। ग्रिशा के फादर को वो अपना थंब काट के दिखाता है, जो कि असली नहीं था। ग्रिशा के फादर लीव को अपने बेटे के बारे में बताते हैं और उसको सुधारने के लिए कुछ प्लान करने को कहते हैं। एक रात को ग्रिशा पार्टी करके लौटता है तो वो देखता है कि उसकी लग्जरी कार को एक वैन ले जा रही होती है, तो वो उसके पीछे दौड़ता है। ग्रिशा को पीछे से कोई शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। ग्रिशा अगली सुबह जब उठता है तो वो अपने आप को घोड़ों के अस्तबल में पाता है। तभी वहाँ पे एक आदमी ग्रिशा को पकड़ के बाहर ले जाता है और उसको लाते मारने लगता है। वो आदमी कहता है कि कल रात को मैंने तुम्हें घोड़े तैयार करने के लिए कहा था, तुमने तैयार क्यों नहीं किए? तो ग्रिशा कहता है कि कल रात को मैंने तुम्हें जिंदगी में पहली बार देखा है। तभी इस गांव का लैंड ओनर डिमिट्री आता है, जो अपने बेटे एलेक्सी को चाबुक मारने के लिए कहता है। तो एलेक्सी चाबुक एवडी को देता है। एवडी ग्रिशा को चाबुक से बहुत मारता है। लैंडलॉर्ड कहता है कि मेरी चाय खत्म होने से पहले मेरा घोड़ा तैयार हो जाना चाहिए। ग्रिशा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। आरटीएम ग्रिशा को अस्तबल के अंदर लेके जाता है, जहाँ पे ग्रिशा उसको कहता है कि मुझे कॉल करना है, मैंने अगर अपने फादर को बता दिया तो सबकी वाट लगा देंगे। तो आरटीएम कहता है कि भाई ये कॉल वगैरह क्या होता है, मुझे तो कुछ नहीं पता, चुपचाप घोड़ा तैयार कर ले नहीं तो और चाबुके खानी पड़ेगी। ग्रिशा को कुछ समझ में नहीं आता तो वो वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि पुलिस को कॉल करो। ग्रिशा भागता हुआ देखता है कि पूरा यहाँ पे 18 सेंचुरी के गांव का माहौल है। फिलहाल उसको ऐसा लगता है कि रशिया के किसी गांव में वो आ गया है, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। और भागते भागते ग्रिशा पकड़ा जाता है और ग्रिशा को दूसरे लोगों के साथ में अब फांसी लगने वाली होती है, क्योंकि ग्रिशा ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। ग्रिशा को फांसी लगने ही वाली होती है कि वहाँ पे लैंड ओनर की डॉटर अगलाया आ जाती है, जो अपने फादर से कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, आज किसी को फांसी नहीं होनी चाहिए। इस बात पे वो ग्रिशा की फांसी माफ कर देते हैं। गांव में होती हुई ये सब चीजें, आसमान में ऊपर उड़ता हुआ एक बर्ड देख रहा होता है। ये बर्ड गांव के बाहर बनी हुई एक बिल्डिंग में पहुंचता है, जहां पता चलता है कि ये कोई बर्ड नहीं है, ये बर्ड की शेप में एक ड्रोन है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कोई टाइम ट्रेवल नहीं है। ये ग्रिशा के पापा ने ग्रिशा को सबक सिखाने के लिए पूरा सेटअप तैयार करवाया है, जिसमें टीवी प्रोड्यूसर एनेस्थीसिया और उसके हॉरर मूवी के फ्रेंड ली ने पूरा गांव का सेटअप तैयार करवाया है, जिसमें ग्रिशा को ये फील होगा कि वो 18 सेंचुरी के विलेज में है, जहां पर वो एक ऑलमोस्ट स्लेव की जिंदगी जिएगा। यहां पे काम करने वाले सभी लोग एक्टर्स हैं और गांव में अलग अलग जगह पे हिडन कैमरास लगाए गए हैं और माइक्रोफोन्स के जरिए सभी एक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि किसको क्या करना है, और गलती से अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो यहां पर एक स्नाइपर तैनात किया गया है, जो ट्रैंक्विलाइजर गन से ग्रिशा को किसी भी टाइम बेहोश कर सकता है। और इतने बड़े और महंगे सेटअप के लिए ग्रिशा के फादर के पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन वो ग्रिशा को सुधारना चाहते थे। इधर ग्रिशा ये सोच रहा होता है कि वो टाइम ट्रेवल करके शायद पास्ट में आ गया है। ग्रिशा की हालत बहुत बुरी थी, उसको जमीन पर नींद नहीं आती है, उसको सुबह सूरज उगने से पहले उठना पड़ता है, उसको जंगल में बाथरूम करना पड़ता है, उसको घटिया ब्रेकफास्ट मिलता है और डिसिप्लिन में नहीं रहने पर चाबुक से मार खानी पड़ती है। एक दिन ग्रिशा खेत में ऐसे ही बैठा होता है तो उसको किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि अगलाया रो रही होती है।
अगला है, बताती है कि उसके फादर उसकी शादी एक रिच पर बूढ़े आदमी से करना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत दुखी है। इस पे ग्रीषा कहता है कि ये तो अच्छी बात है, बूढ़ा जल्दी ही मर जाएगा और सारी दौलत तुम रख लेना। एक दिन ग्रीषा चिकन सूप बनाने के लिए एक चिकन को चुरा लेता है, क्योंकि यहाँ के वेजिटेरियन खाने से ये बोर हो चुका था। ग्रीषा का फ्रेंड जब ग्रीषा से चिकन सूप मांगता है तो वो कहता है कि मैंने तो सारा चिकन सूप खत्म कर दिया है। ग्रीषा का फ्रेंड कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा सारा काम किया है, तो वो कहता है कि मैंने भी तो तुम्हारे हिस्से का सूप खत्म कर दिया है। एडवे को जब पता चलता है कि चिकन गायब है तो वो सभी घोड़े के रखवालों को इकट्ठा करता है और उनको पूछता है कि बता दो कि किसने चिकन चुराया है, नहीं तो रैंडमली मैं किसी को सेलेक्ट करके उस पे कोड़े बरसाऊंगा। एडवे ग्रीषा के फ्रेंड को उठा ले जाता है और एविडेंटली ग्रीषा यहाँ पर भी किसी तरह की कोई सिंपैथी पेश नहीं करता है, उसको अभी भी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। थोड़ी देर बाद में ग्रीषा का फ्रेंड उसको उसकी पीठ पर मार के साइन दिखाता है, जो कि एक्चुअल में एक रियलिस्टिक मेकअप था, लेकिन ग्रीषा को अभी भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी ग्रीषा देखता है कि एक लड़की लीजा घोड़े से नीचे उतर रही होती है, तो वो उसका अंडरवेयर देख लेता है। थोड़ी देर सोचने के बाद में ग्रीषा को रियलाइज हुआ कि ये लड़की मॉडर्न अंडरवेयर पहन के कैसे घूम रही है, ये तो 1860 है। ग्रीषा लीजा के पास दौड़ के जाता है और उसको उसका अंडरवेयर दिखाने को कहता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास फ्यूचर के अंडरवेयर कहाँ से आ गए, वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे दूसरे विलेजर्स या फिर एक्टर्स आ जाते हैं और लीजा वहाँ से घोड़े पे बैठ के चली जाती है। इधर कंट्रोल बिल्डिंग में ग्रीषा के फादर ये सब बंद करने को कहते हैं, क्योंकि उनका बेटा अभी भी नहीं सुधरा था और अभी भी वो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने पे उतर आया था। लेकिन तभी वहाँ पे एक न्यूज आती है कि ग्रीषा लीजा से माफी मांगना चाहता है। अब ये इन लोगों को एक पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखा तो वो लीजा को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो ग्रीषा से जाके मिले। जब लीजा ग्रीषा से जाके मिलती है तो ग्रीषा उसको सॉरी बोलता है, तो लीजा उसको माफ कर देती है। कुछ दिनों बाद में इस गांव में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि ये रात जिस लड़की या लड़के के साथ आप बिताओगे वही जिंदगी में आपका पार्टनर बन जाएगा। इस फेस्टिवल में ग्रीषा को अगलाया मिलती है, जो अपनी बूढ़े आदमी से शादी की डेट नजदीक आने की वजह से परेशान थी और वो कह रही थी कि मैं नदी में कूद के सुसाइड कर दूंगी, और वो नदी में कूदने के लिए चली जाती है। डायरेक्टर्स चाहते थे कि वो अगलिया को बचाने के लिए उसके पीछे जाए, ताकि उसमें सिंपैथी का इमोशन डेवलप हो सके, लेकिन ग्रीषा उसके पीछे नहीं जाता है, बल्कि वहाँ पर बैठी हुई लीजा के पास आके बातें करने लग जाता है और कहता है कि मैं तो फ्यूचर से आया हूँ, वहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है। तभी वहाँ पे ग्रीषा का फ्रेंड आता है और वो कहता है कि अगलिया नदी में डूबने गई है, तो ग्रीषा को याद आता है कि वो सुसाइड करने की बात कर रही थी, तो ग्रीषा अगलिया को बचाने के लिए नदी की तरफ जाता है और उसको सेव कर लेता है। अगलिया कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है, लेकिन ग्रीषा उसको उसके घर पे लेके जाता है। अगलिया ग्रीषा के क्लोज होने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को भी समझ में नहीं आता कि ये कहाँ चला गया, क्योंकि बाय नेचर ग्रीषा एक प्लेबॉय था। लेकिन अगलिया को छोड़ के ग्रीषा अपने फ्रेंड के पास जाता है और वो पूछता है कि लीजा कहाँ पे रहती है, मुझे लीजा से मिलना है। इधर कंट्रोल रूम से लीजा को इंस्ट्रक्शन पास की जाती है कि ग्रीषा तुमसे मिलने आ रहा है, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। तो लीजा दूसरे सभी लोगों को छुपा लेती है और अपने आप को गांव के कपड़ों में तैयार रखती है। ग्रीषा लीजा को कहता है कि चलो मेरे साथ वॉक पे चलो और फेस्टिवल में तुम मेरे साथ रहो, ताकि वो लीजेंड जिसमें ये कहा जाता है कि इस दिन जो भी जिसके साथ रहेगा वही उसका पार्टनर बनेगा सच हो जाए। लेकिन लीजा कहती है कि उसके फादर की तबीयत सही नहीं है, वो नहीं चलेगी। इस बात पे ग्रीषा काफी डिसअपॉइंट होता है। अगले दिन डायरेक्टर लीजा को समझाता है कि ग्रीषा का इंटरेस्ट अब अगलिया से हट गया है और वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड है, इसलिए लीजा को अब उसके लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करना पड़ेगा। लीजा का ये नया रोल लीजा के असली बॉयफ्रेंड एलेक्सी को पसंद नहीं आता, जो यहाँ पर लैंड ओनर के बेटे का किरदार निभा रहा था। लेकिन लीजा उसको कहती है कि हम सब ग्रीषा को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आए हैं और हम सब का साथ ही इस प्रोजेक्ट को सफल बना सकता है। अब ग्रीषा लीजा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा और धीरे धीरे इन लोगों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई और ग्रीषा लीजा के प्यार में पड़ जाता है। एक दोपहर को ये दोनों जब घूम रहे थे तो वो देखते हैं कि आसमान में एक पक्षी अजीब तरीके से उड़ रहा है। लीजा को पता था कि ये ड्रोन है, इसलिए वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। कंट्रोल रूम में एनेस्थीसिया स्नाइपर को कहती है कि अगर कुछ भी हो तो ड्रोन को शूट कर देना, लेकिन थैंकफुली एंड में ड्रोन ठीक हो जाता है और सही तरीके से उड़ने लगता है। इधर एलेक्सी
और अग्लाया दोनों ही गुस्सा थे क्योंकि एलेक्सी की गर्लफ्रेंड को ग्रिशा के साथ रोमांस करना था और अग्लाया को लीजा से रिप्लेस कर दिया गया था। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इंटीमेट होने लग जाते हैं। ठीक उसी टाइम लीजा और ग्रिशा वहाँ पे आ जाते हैं। लीजा अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होता हुआ देख के बहुत दुखी होती है। अग्लाया और एलेक्सी को डायरेक्टर बुला के बहुत डांटता है और कहता है कि तुम दोनों का रोल भाई बहन का है और सेट पर तो कम से कम रुक जाते हैं। और डायरेक्टर इन दोनों को जॉब से निकाल देता है। इधर लीजा अपने बॉयफ्रेंड के इस बिहेवियर से बहुत दुखी होती है तो ग्रिशा उसको चीयर अप करने की कोशिश करता है और उसके लिए कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर करता है और उसके साथ डिनर करता है। डिनर के बाद में ये लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और ग्रिशा लीजा को कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद में लीजा हाँ बोल देती है और ये दोनों मिलकर किस करने लगते हैं। कंट्रोल रूम में खुशी का माहौल होता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार सिंपैथी और लव का इमोशन ग्रिशा के अंदर जागा था जिसकी वजह से उसके डैड काफी खुश थे। दूसरी तरफ अग्लाया जिसको सेट से बाहर निकाल दिया गया था वो एक टीवी टॉक शो में जाकर ये इंटरव्यू देती है कि रशिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन के बेटे ग्रिशा को किडनैप किया गया है और वहाँ पर उसको बहुत बुरी तरह से रखा जा रहा है। रशिया की पुलिस इस बात को गंभीरता से लेती है और इस किडनैपिंग के केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। इधर ग्रिशा के फादर पैनिक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सब शट डाउन कर दो और चलो यहाँ से, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि इन्वेस्टिगेशन को यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए हम इस पूरे सेटअप को एक क्लाइमेक्स की पोजीशन तक पहुँचा सकते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि अब इस गांव पे मंगोल्स का अटैक होगा। गांव में बहुत सारे मंगोल्स आते हैं। गांव वाले इनको फूड ऑफर करते हैं लेकिन मंगोल्स यहाँ पर कुछ गर्ल्स को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। वो भीड़ में से एक लड़की को चुनते हैं तो उस लड़की के फादर मंगोल्स से अपनी बेटी की भीख मांगते हैं लेकिन मंगोल्स सबको फेयर चांस देते हैं इसलिए वो कहते हैं कि तुम हमारे एक सैनिक से लड़ो, अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी बेटी फ्री हो जाएगी। अब इस आदमी और मंगोल सैनिक में काफी फाइट होती है। ये दोनों एक्चुअली काफी अच्छे स्टंटमैन होते हैं जिनको काफी जल्दी से डायरेक्टर ने प्रिपेयर किया होता है। ये दोनों फाइट करते हैं और सैनिक उस लड़की के फादर का सर ही काट देता है जो कि फेक था। फादर का ऐसा सेक्रीफाइस देख के मंगोल्स उस लड़की को फ्री कर देते हैं और दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाने की प्लानिंग करते हैं। वो लीजा को चॉइस करते हैं। अब उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं था। ग्रिशा का फ्रेंड ग्रिशा को कहता है कि क्या तुम अपनी लेडी लव लीजा को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो ग्रिशा कंफ्यूज हो जाता है और वहां से डर के मारे जाने लगता है। सबको ये बात काफी सरप्राइजिंग लगती है क्योंकि उन सबको लग रहा था कि वो लीजा से बहुत प्यार करता है और कंट्रोल रूम में भी काफी डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। लीजा ग्रिशा को हेल्प के लिए बुलाती रहती है लेकिन ग्रिशा चला जाता है। ग्रिशा थोड़ी देर बाद में घोड़े पे बैठ के आता है और मंगोल से थोड़ी फाइट करने के बाद में लीजा को वहाँ से घोड़े पे बिठा के ले जाता है। ग्रिशा के जाने के जस्ट बाद में ही वहाँ पे पुलिस आ जाती है लेकिन ग्रिशा यहाँ पे था ही नहीं, तो डायरेक्टर कहता है कि मेरी मूवी की शूटिंग चल रही थी तो पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि शूटिंग करना तो कोई क्राइम है नहीं। पुलिस भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब लीजा और ग्रिशा घोड़े पे चलते चलते गांव की लिमिट से बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर उनको एक मॉडर्न पेट्रोल पंप दिखता है जिससे ग्रिशा काफी कंफ्यूज हो जाता है। पोल खुलती हुई देख के लीजा सब बताने ही वाली होती है कि ठीक उसी टाइम स्नाइपर ट्रैंक्विलाइजर से ग्रिशा को बेहोश कर देता है। अगले दिन ग्रिशा हॉस्पिटल में उठता है और उसके फादर उसको बताते हैं कि वो 3 महीने से कार एक्सीडेंट के बाद में कोमा में था और आज ही होश में आया है। ग्रिशा अब अपनी वही लग्जरी कार चला रहा है लेकिन अब वो उस कार को एंजॉय नहीं कर पा रहा। नाइट पार्टी में भी जाता है तो उसको वो मजा नहीं आ रहा जो उसको 3 महीने पहले आता था। उसको अपनी गलती का एहसास होने की वजह से वो अपनी लग्जरी कार उस ट्रैफिक पुलिस वाले को दे देता है जिसको उसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। एक दिन नाइट क्लब में ग्रिशा एलेक्सी और अग्लिया को देखता है तो वो पूछता है कि लीजा कहाँ पे है, तो एलेक्सी और अग्लिया दोनों मिलकर उस पूरे गांव के सेटअप के बारे में बता देते हैं और उसको लीजा के पास ले जाता है। ग्रिशा लीजा से मिलता है और कहता है कि उसने जो भी कहा वो सच है, वो आज भी उससे प्यार करता है, तो लीजा कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और दोनों मिलके किस करते हैं। कुछ दिनों बाद में हम देखते हैं कि ग्रिशा के फादर एनेस्थीसिया से शादी करते हैं और अपने फादर को थैंक्स कहता है कि उन्होंने उसको एक बेटर पर्सन बनाया और इस क्रेजी प्रोजेक्ट में डालकर अब उसको सुधार लिया है और वो अपने फादर से गले लग जाता है। अब ग्रिशा ने जिंदगी का पेशा ही ये बना लिया है कि रिच बिगड़ेल बच्चों को यहाँ पे लाया जाएगा और वो उनको सुधारने का इस क्रेजी प्रोजेक्ट में काम करेगा। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।